Hello everyone, I am Bhavna Saxena from Ulyal Public School. As you all know, first chapter of Eating Habits of Animals. Explanation of eating habits of animals completed. But I want to show you a video related to this chapter, okay? So let's start explanation through animated video. Okay, first, categories of animals divided into three parts: carnivore, omnivore, and herbivore. Carnivore means flesh eating animal. Omnivore means both flesh and plant eating animals, and herbivore means only plant eating animals. Okay, for example, herbivore means cow, buffalo, horse, monkey, rabbit. Animals that eat only plants or parts of plants are called herbivores. They are also known as plant-eating animals. जो animals only plants eat करते हैं, means उनका food जो है वो only plants होता है, उन्हें हम कहते हैं herbivore. For example, हम इसमें cow, buffalo, horse, हम इन सबको ले सकते हैं, okay? Mouth part of these animals are sharp teeth in front, because ये क्या करते हैं, sharp teeth जो होता है वो ये cut करने के काम में लेते हैं. ओके, हर्बीवोर जो होते हैं वो प्लांट कट करते हैं, तो ये जो इनके जो आगे के जो पार्ट्स हैं, माउथ पार्ट है, उनके जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं. एंड बैक पार्ट जो होता है इनका माउथ का, वो कैसा होता है, फ्लैट, ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग. इनके जो टीथ बैक साइड में होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैट, ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग टीथ एट द बैक ऑफ देयर माउथ फॉर च्यू ऑफ देयर फूड. इससे वो क्या करते हैं, बैक पार्ट से च्यू करते हैं. देन कार्निवोर्स, animals that eat the flesh of other animals are called carnivores. जो animals only flesh खाते हैं, उनका जो food है वो only flesh है, वो उन्हें हम कहते हैं carnivores. They are also known as flesh eating animals. इनको हम क्या कहते हैं, flesh eating animals भी कहते हैं. For example, lion, tiger, cheetah, leopard, crocodile. इनमें हम उन animals को रख सकते हैं. Mostly इनमें क्या होते हैं, wild animals होते हैं. इनके जो टीथ होते हैं शार्प एंड पॉइंटेड, बिकॉज ये क्या करते हैं, ये करते हैं, इनको क्या है, प्रे करते हैं ये किसी और एनिमल को, इनका जो फ्लैश ईट करते हैं. सो इनके क्या होते हैं, फ्रंट टीथ जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं एंड शार्प होते हैं. दीज हेल्प देम टू टियर द फ्लैश ऑफ देयर प्रे. दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्लैट एंड ब्रॉड ब्रैंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ देयर माउथ. इनके जो बैक साइड में टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लैट होते हैं, ब्रॉड होते हैं, जिससे कि वो अपने फ्लैश को अच्छी तरह से च्यू कर सके. देन ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स कौन होते हैं, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स कौन होते हैं, जो कि बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स को खाते हैं. उनका जो फूड होता है वो दोनों तरीके का होता है, वो प्लांट्स भी ईट करते हैं और क्या ईट करते हैं, अदर एनिमल्स का फ्लैश भी ईट करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल, क्रो, पीकॉक, बियर एंड बैट. ओके, हम इसमें इनको ले सकते हैं. ठीक है, यस. नेक्स्ट इज कर्ट ट्रेल एनिमल्स. Some animals like cow, buffalo, camel, sheep and giraffe cut grass, leaves or plant with their front teeth. आपने देखा होगा cow को, वो क्या करती है, grass, leaves, इस तरीके के plants वो उनका food होता है ना. तो वो अपने जो उनके front teeth होते हैं वो कैसे होते हैं, strong होते हैं, काफी strong होते हैं. उनसे वो क्या करते हैं, उनको cut करते हैं. वो किस use में लेते हैं, उनको कट करने के लिए. एंड स्वेलो इट विदाउट च्यूइंग, और क्या करते हैं, उसको स्वेलो कर जाते हैं विदाउट च्यूइंग, बिना उसको च्यू करे हुए वो स्वेलो कर जाते हैं. लेटर दे ब्रिंग इट बैक इनटू देयर माउथ फॉर च्यूइंग. उसके बाद काफी देर बाद वो उसको वापस से अपने माउथ में लाते हैं और फिर उसको च्यू करते हैं. देन दे च्यू इट वेल फॉर आवर्स, और काफी टाइम तक वो उसको च्यू करते हैं. सच एनिमल्स आर कॉल्ड कर्ट च्यूइंग एनिमल्स. इन एनिमल्स को हम किस नाम से जानते हैं, कर्ट ट्रिंग एनिमल. आई रिपीट इट, सम एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, कैमल, शीप एंड जिराफ कट ग्रास,
leaves or plants with their front teeth and swallow it without chewing. बिना swallow किए वो उसको अपने अंदर ले जाते हैं. Swallow करते हैं and उसको अंदर ले जाते हैं. Later they bring it back और काफी time के बाद वो उसको वापस अपने mouth में लाते हैं और उसको chew करते हैं. Okay? तो इनको हम क्या कहते हैं? Curd chewing animal. और इस system को जो ये process चल